ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर पवन प्रजापति श्री गुरु कृपा आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र से। मित्रों, इस समय जो लता दिखाई दे रही है यहाँ गुड़ुचि की लता है। इसका संस्कृत नाम गुड़ुचि है, अमृता है, मधुपर्णी, छिन्नरूहा, कुंडलिनी इत्यादि इसके संस्कृत नाम है एवं हिंदी में इसे गिलोय बोला गया है। अमृता इसका नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अमृत के समान फल को देने वाली है। यहाँ मैनी स्पर्मेसी कुल की लता होती है एवं इसका जो लेटिन नाम है वह टीनो स्पोरा कार्डिकोलिया है। मित्रों, आचार्य चरक ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। यह लता जाति की होती है। इस प्रकार से इसमें यह पत्र देखें, ये इसके पत्र हैं। एवं इसकी ये लता है, इसको जब आप स्पर्श करेंगे, इस प्रकार से आप तोड़ेंगे तो यह चिकनी स्निग्ध होती है, ये गहरी हरी अंदर से आप इसको ये देखा, ये गहरी हरी रहेगी एवं काफ़ी चिकनी होती है। मित्रों, आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसकी बहुत प्रशंसा की है एवं आयुर्वेद के सभी शास्त्रों में इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। मधुमेह की यहाँ प्रसिद्ध औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस समय यहाँ ये जो चंदन के वृक्ष पे चढ़ी हुई है, ये यह चंदन का वृक्ष है, इसकी भी बहुत प्रशंसा की गई आयुर्वेद शास्त्र में एवं अध्यात्म शास्त्र में, परंतु मैं आपका परिचय गिलोय से करवा रहा हूँ। ये इसके इस प्रकार से पत्र होते हैं, देखिए आप इसको, ये पान के समान इसके पत्र होते हैं। मधुमेह के लिए इसका उपयोग हमें इसकी ये शाखा लेनी है लता की, 1 से 2 इंची अच्छी प्रकार से इसको लेने के पश्चात इसको अच्छी प्रकार से कूट लें एवं सुबह जिसको मधुमेह है, डायबिटीज के जो रोगी है उनको अच्छी प्रकार से इसको कूट लें एवं इसका सुरस निकाल लें एवं प्रतिदिन कुछ माह तक इसका आप सेवन करेंगे तो मधुमेह के साथ साथ आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा एवं अनेक प्रकार की बीमारी से आप बचेंगे एवं धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो शुगर का लेवल है वह भी धीरे धीरे करके सामान्य होने लग जाता है। इसके साथ साथ ही आप इसका उपयोग पेट की बीमारी में भी कर सकते हैं, संग्रहणी में एवं पेट की अनेक प्रकार की जो बीमारी होती है उसमें भी इसका उपयोग जो आयुर्वेद शास्त्र में बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। इस प्रकार से इसकी एक प्रजाति और आती है जिसे पद्म गिलोय बोलते हैं। ये इस समय ये नीम पे जो चढ़ी हुई गिलोय रहती है उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है आयुर्वेद में। ये देखिए, ये नीम पे चढ़ी हुई, ये नीम पे, ये यहाँ पर तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग करें एवं अनेक प्रकार की जो गंभीर बीमारी होती है उनसे बचें। इसके उपयोग करने से आपका इम्यूनिटी पावर काफ़ी प्रबल हो जाएगा एवं अनेक प्रकार की बीमारी से आप बच जाएंगे। तो आप इसको देखें, समझें एवं उपयोग करें।